हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपके सेवा में फिर से हाजिर हूँ एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर। देखिए ये अपने पास में क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देख के आप लोगों के दिल में घबराहट पैदा होती होगी। उस घबराहट को ख़त्म करने के लिए देखिए मैं आज आपके सामने आया हूँ ये क्वेश्चन लेकर। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अपने को इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए मेरी बात सुनिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो सबसे पहले जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसको यूज में लेना है, ठीक है? तो देखिए नीचे वाली फ्रैक्शन को जब यूज में लेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए क्या लिख सकता हूँ, 1 और 16, ठीक है? इसको मैं लिख सकता हूँ कितना भाई, 1 और 8, ठीक है? इसको मैं लिखूंगा तो कितना लिख सकता हूँ, 1 और 8, ठीक है? अगले वाली को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1 और 4। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ तक लिख चुका हूँ, ठीक है? उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में प्लस वाले इधर वाले जो अंक हैं उनको अपन यूज में लेंगे। तो देखिए यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, इसको लिख देते हैं 1 और 3, ठीक है? यहाँ क्या क्या है भाई, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है? अगले वाले की बात करें तो देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ क्या है, 1, 1 और 3, ठीक है? तो इसको मैं लिख देता हूँ 1, 1 और 3, ठीक है? आगे वाले की बात करूं तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 1 और 4 यूज में ले लिया है, तो बाकी अंक कौन से बचे हैं, 2, 1 और 3, तो इसको मैं लिख दूंगा 2, 1 और 3, ठीक है? उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। 1 और 16, ठीक है? ये संख्याएं हैं, अगर यहाँ 1 है तो दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, 16 और 1 17, ठीक है? आगे का क्या करना है, 3 आ गया तो 3 को क्या करना है, पहले 17 से गुणा करेंगे, यानी कि इस वाली संख्या को इससे क्रॉस में गुणा करेंगे, 17 51, और उसमें 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 51 में जब 16 जोड़ते हैं तो 67। तो इसका जो आंसर आया वो कितना, 17/67, यानी कि जो संख्या पहले लिखी थी यानी कि अंश के रूप में 1 था उसको पहले लिखा था, तो जो पहले संख्या आती है वो तो अंश में और लास्ट वाली संख्या हर में, ठीक है? सेम यही कंडीशन, 1 8 1 आया तो दोनों को जोड़ के लिख दीजिए 9, ठीक है? 2 आया तो 9 दुनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 26। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 9/26। अगले वाले की बात करेंगे तो 1 8, फिर 1 है तो दोनों को जोड़ के, फिर 1 है तो दोनों को जोड़ के 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, ये कितना है, 3, तो 17 3 51, 51 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, यहाँ इसके नीचे 60, तो इसका आंसर बन गया 17/60, ठीक है? जो कि कभी भी 13/48 के बराबर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अगले की बात करते हैं, 1 और 4 यूज में ले लिया है, अब 2 आ गया है, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दुनी 8 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है? फिर क्या करना है, इन 1 आ गया तो दोनों अंकों को जोड़ के 9 और 4 13, ठीक है? फिर क्या करना है, 3 आ गया तो 13 को 3 से गुणा करेंगे तो 13 3 39, 39 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 48, ठीक है? तो ये आ गया 13/48। देखिए अपना क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से 13/48 के बराबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। अगर लाइक समझ में आया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।